कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का, देख लीजिए हमारे सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो है 19 मार्च के दिन हिंदी का पेपर है, और लगातार मैं कोई कमी नहीं रख रहा हूँ हमारे बच्चों को टॉपर बनाने के लिए। चलिए तो बिना किसी देरी के मैं एक जो बेहतरीन सा एक सैम्पल पेपर है आपके लिए वो लेकर आया हूँ, लेकिन बहुत ही रिसर्च के बाद बता रहा हूँ बेटा, मॉडल पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा इसमें से फंसेंगे, ठीक है। आइए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? भारतेंदु युग को। कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? ईश्वर का। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है? गोरा बादल की कथा। बेबी हालदार ने घर के मालिक को किस नाम से पुकारती थी? तातुस के नाम से वो पुकारती थी। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? चलना, ठीक है। झोला एक क्या है? झोला है आपका तद्भव शब्द। क्या है? तद्भव। आदिवासियों में शराब पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। कवि पास का पूरा नाम क्या है? अवतार सिंह संधू पास है। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने ये बड़ी मुश्किल से कहा, ठीक है। मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। डिकोडिंग जो है ना वो एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण जो है एक महाकाव्य है। हो गया इतना। हे भूख मत मचल, इसका मिलान आपको करना है अक महादेवी आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, राजस्थान की रजत बूंदे, इसका जाएगा अनुपम मिश्र, UAI का जाएगा दैनिक समाचार हेतु एजेंसी, मुक्तक छंद जाएगा केचुआ छंद, तुम घर मत जाओ निषेध वाचक हो जाएगा, अंदर बाहर का जाएगा शब्द युग्म, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पद्मावत किसकी कवि की रचना है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास आया? चपरासी के पास। अजंता की दीवारों पर किस बने चित्रों को किसने बनाया था? बौद्ध के भिक्षुओं ने, ठीक है भैयो। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया? नारद जी को। और किस कवि को एक बिंब धर्मी के रूप में मानते हैं? तो शमशेर सिंह बहादुर, ठीक है। जहां कारण ना होने पर भी कार्य हो वहां कौन सा अलंकार है? तो वहां है आपका विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। और दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाले संभाषण को हम कहते हैं संवाद। पंडित अलोपदीन पर लक्ष्मी पर अखंड विश्वास ना था, यह सत्य होगा। बादलों के घेरे कृष्णा सौबती की कहानी संग्रह, यह सत्य रहेगा। लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति के व्यक्त होता है। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार का माध्यम है। करुण रस का स्थायी भाव रति है। मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, भक्ति काल के हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग को कहा जाता है। नई कविता की विशेषताएं आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर जो छठा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। हो गया इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में इसका थोड़ा है, नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए, तो ये बच्चों ने काट दिए यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन लिखते समय, तो कोई दिक्कत नहीं, आप करना है कंप्लीट इसको। मायके में आई बहन को ने घर कवि ने घर के को परिताप का घर क्यों कहा गया है? ये भाषा में झारखंडीपन से क्या आशय है? संकलन त्री क्या है? कहानी के तत्व बताइए, ये यहाँ से हो जाएगा, देख लीजिए ये गलती से, वो क्या नई कविता की विशेषता यहाँ पर है, ये है ना, आगे पीछे कर दिया बच्चों ने। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन को के पास क्यों गई थी? लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? ये आ जाएगा पंथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग की काम 2.5 साल तक जो चला, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये रहेगा आपका ये यहाँ से औपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं, संचार क्रांति क्या है, वीर रस की उदाहरण सहित परिभाषा देनी है आपको, गजल किसे कहते हैं इसके लक्षण देना है, ये यहाँ पर हो जाएगा। वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित ये यहाँ से, कविता में बिंबों का प्रयोग क्यों आवश्यक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। निपात शब्द किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए, ये मिश्रित, क्वेश्चन नंबर 15 मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर ये यहाँ से देख सकते हैं, अथवा अवतार सिंह सिद्धू पास रचनाएं भाव पक्ष योजा कला पक्ष साहित्य में स्थान, त्रिलोचन जी का जाएगा यहाँ से, ये दो बार भी यहाँ लेना पड़ेगा तो ये दो बार में लेना पड़ेगा, इतना हो गया, इसके बाद में ये इतना जाएगा, ये रचनाएं भाव पक्ष स्क्रीन शॉट लो बढ़िया से यहाँ हो गया, इसके बाद में ये यहाँ से कला पक्ष कर लो, मुझे आ जाएगा सत्य में स्थान, कृष्ण सोबती और इनका साहित्य परिचय है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ये रचनाएं भाषा ये शैली और साहित्य में स्थान, ठीक है भैया। ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 भाव पल्लवन करना है आपको, जहाँ आर्थिक संबंध होता है वहाँ तर्क की गुंजाइश नहीं होती, ये जल संरक्षण पर एक विज्ञापन बनाई है, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, हम यहाँ से देख सकते हैं, ये भावार्थ रहेगा आपका, ये यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 था ना, तो ये पहले क्वेश्चन नंबर 19 का एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो पहले, तो यहाँ से ये है, ओके क्वेश्चन नंबर 19 मनुष्य वाला, ठीक है भैया, यहाँ पर है ये उसका, हो गया, ये यहाँ से देख सकते हैं आप, इतना